कांग्रेस आलाकमान के तीखे तेवरों के चलते राजस्थान की पहली सूची अब तक जारी नहीं हो सकी। गौरतलब है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने खुद 18 को सीईसी की बैठक के बाद पहली सूची जारी करने का ऐलान किया था। 25 सितंबर को जयपुर में बगावती तेवर दिखाने वाले शांतिलाल धारीवाल, धर्मेंद्र राठौर और महेश जोशी की टिकटों पर सीईसी में आलाकमान ने सवाल खड़े करके गहलोत को बैकफुट पर ला दिया। वहीं स्क्रीनिंग कमेटी से 106 सिंगल नामों पर मोहर लगवाने वाले गहलोत ने सचिन खेमे के विधायकों पर सहमति देकर ज्यादातर सिटिंग विधायकों का सिंगल नाम करा लिया, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने ये कहकर लिस्ट को बैरंग लौटा दिया कि जब 106 सीटों पर सिंगल नाम ही लाना है तो सीईसी क्या सिर्फ मोहर लगाने के लिए है। इसी के चलते अब तक सूची जारी नहीं हो सकी। जितने फैसले हुए हैं सबकी राय से हुए हैं, सबकी राय हो, जो भी सचिन पायलट साहब के जो हमारे सपोर्टर भी होंगे उन सब के फैसलों में भागीदार बन रहा हूँ, उनके पक्ष में। तो आप सोचते हो कितने स्मूथली फैसले हो रहे हैं। तकलीफ बीजेपी को होती है और किसी को नहीं होनी चाहिए। राहुल के तेवरों के बाद गहलोत दिल्ली में डटे हुए हैं और नए सिरे से 106 में कई सीटों पर बाकी 94 पर भी ज्यादा सीटों पर सिंगल के बजाय दो नाम देने की चर्चा जारी है। दरअसल आलाकमान सियासी रणनीतिकार सुनील कोनुगोलू के 50% टिकट बदलने के सर्वे को गंभीरता से ले रहा है। वहीं गहलोत कम से कम विधायकों के टिकट कटे इस पर जोर लगाए हैं। हालांकि अब गहलोत के तेवर बदले बदले से हैं। Forgive and forget, पर सच्चाई यह है कि जो आपका चुनाव जो हो रहा है, there is still no, you know, you have gone with a single name with the screening committee. There is big, there are lot of problems in the finalization of candidates. Ultimately, you have been publicly fighting with Sachin Pilot and others. Sachin Pilot wants your supporters not to be given tickets. The other side, Mr. Gehlot is not wanting Sachin Pilot's supporters not to be given. Can you win this election with this kind of fighting that is taking place and public fighting that has carried on? And you say, you said forgive and forget, but you also called somebody a traitor. So how do you go forward with that? आपने गदर कर दिया, फिर क्वेश्चन कर दिया। मैंने ये तो कहा आपको कि हमारे हम सब एकजुट हैं, हम तो एकजुट हैं। जब उनके साथ लोग गए थे उनके टिकट सब क्लियर हो रहे हैं करीब करीब, उससे बड़ा उदाहरण क्या मैं दे सकता हूँ आपको। एक टिकट पर भी मैंने ऑब्जेक्शन नहीं किया हो मीटिंग के अंदर, उसे अंदाज कर लीजिए कितनी प्रकार की हमारी कितनी प्यार मोहब्बत आपस के अंदर है। कुल मिलाकर राजस्थान के सियासी भंवर में कांग्रेस फिलहाल आलाकमान और गहलोत के बीच उलझ कर रह गई है। ऐसे में अब स्क्रीनिंग कमेटी, मधुसूदन मिस्त्री और केसी वेणुगोपाल पर जिम्मेदारी है कि वो बीच का रास्ता निकालें और कांग्रेस की टिकटें सामने आ सकें।